सर उसामा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बेस्ट सैम के 6 लेक्चर नंबर 2 यूट्यूब अर्निंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में, अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, कल के सेशन में लाइव आना भी मत भूलिएगा। अगर आपको कंप्लीट 1.5 महीने का ये कोर्स ज्वाइन करना है, ओवर टू यू उसामा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि हम पूरे 1.5 महीने में जो कोर्स है पूरा, मतलब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पूरी आउटलाइन को हमने एक्सप्लोर किया था। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे इस कोर्स में। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो बेसिक चीज़ है यूट्यूब चैनल को बनाने से पहले, जो हम नीश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पे हमने काम करना होता है वो कौन सा टॉपिक हो सकता है, और इसको जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम इस जो है इस नीश को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नीश कहते हैं टॉपिक, नीश टॉपिक या फिर आपका कह सकते हैं स्किल, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं जिस पर आपने यूट्यूब पर काम करना है, यूट्यूब मतलब वीडियोस बनानी है, उसको हम कहते हैं नीश। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली सीखना पड़ता है, प्रॉपरली आपको कुछ टेक्निक्स जो हैं वो सीखने की जरूरत पड़ती है। तो वही टेक्निक्स आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, लेकिन ये आप समझ लें कि जब तक ये आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हमें पता ही नहीं होगा कि हम जो है किस टॉपिक पर यूट्यूब पर वीडियोज बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है, जो पहली टेक्निक है जिसको हम यूज करेंगे, इसको आप टेक्निक भी कह सकते हैं, टिप भी कह सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने गूगल का इस्तेमाल करना है। अब गूगल पर इस्तेमाल करना है, लेकिन गूगल पर क्या हमने जो है वो लिखना है, तो उसके लिए हमने लिखना है गूगल हर्ट ट्रेंड विजुअलाइज। अब यहाँ पर मैं बता दूं, इधर जो है दो तरह के स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, एक वो जिन्होंने पहले से सोच रखा होगा कि हम इस टॉपिक पर यूट्यूब पे जो है वीडियोस बनाएंगे, अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाएंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी तक आइडिया नहीं होगा कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियोज बनानी चाहिए। तो ये दोनों आप जितने मतलब दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर होगा। आप जो है दोनों मतलब के आप इससे फाइंड भी कर सकते हैं कि टॉपिक आपने कौन सा लेना है, और अगर आपने टॉपिक पहले से सिलेक्ट कर लिया है तो आप डेली बेसिस पे उस टॉपिक पे जो न्यू वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो न्यू टॉपिक चाहिए होगा वो आप कहाँ से लाएंगे, तो वो भी आप इसी लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। गूगल हार्ड ट्रेंड्स विजुअलाइज, सबसे पहले आप लोगों ने आना है गूगल पर, आपने यहाँ पर लिखकर ये सर्च करना है, और जो पहली वेबसाइट होगी, ठीक है, पहली वेबसाइट को ही आपने ओपन करना है। और जस्ट आप लोग जैसे इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आपके सामने भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो लोग लिखकर सर्च कर रहे हैं वही हमारे सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें एक एक वर्ड आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक से ज्यादा वर्ड्स आए ताकि हमें प्रॉपरली आइडिया हो कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। अभी आपके सामने लाइव शो हो रहा है, ठीक है, जिस वक्त लोग लिखकर सर्च करते हैं उसी वक्त आपके सामने शो होते हैं। तो इसको जो है आप कैसे मतलब इंक्रीज करेंगे, कैसे आप जो है एक से ज्यादा सर्च देख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप जब कॉर्नर में आएंगे तो आपने इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ चीजें सर्च की जा रही हैं, और इनको आप यहाँ से जो है वो एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है, आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस टॉपिक में वीडियो बनानी है। अब ये तो आपको जनरली बता रहा है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो चीजें सर्च हो रही हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं, लेकिन आप अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर देखें ऑल रीजन लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कंट्री स्पेसिफिक उसको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर देखें जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सिलेक्ट करूंगा तो जो उस वक्त यानी कि इस वक्त, ठीक है, हम क्योंकि इस वक्त इसको ओपन कर रहे हैं, इस वक्त हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस वक्त जो वहां पर जो सर्च हो रहा है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका टॉपिक, आप ये टॉपिक रखें तो आपको व्यूज मिलेंगे, ये ना रखें तो व्यूज नहीं मिलेंगे, नहीं, टॉपिक आपने खुद सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। टॉपिक आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने किस टॉपिक वीडियो बनानी है, लेकिन टॉपिक फाइंड कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से टॉपिक कोई ना कोई फाइंड कर सकते हैं, मतलब कहने का ये कोई ना कोई टॉपिक आप यहाँ से ले सकते हैं, और डेली बेसिस पे जब भी आप वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ से जो है अपना नया टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट को जो है नहीं देखना, ठीक है, तो आप यहाँ से इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं, अगर आपने जो है वो
एशिया की जो आपकी ऑडियंस है, आपने उसको टारगेट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है इंडिया में काफी ज्यादा यूट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से आप इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, दोनों में जो है एक ही चीज सर्च की जाती है, मुख्तलिफ ड्रामा जो है, मुख्तलिफ गेम्स, मतलब ज्यादातर जो है वो यूट्यूब के, ज्यादातर जो है वो क्रिकेट के हवाले से। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये रक्षाबंधन उनका जो है वो अभी अभी गुजरा है, ठीक है, और उसके बाद जो है एशिया कप 2023, इस हवाले से काफी ज्यादा सर्च किया जाता है, मतलब कहने का ये काफी ज्यादा सर्च हो रहे हैं आजकल। तो इस तरह से यहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं आइडिया, अगर आपने जो है वो YouTube पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनानी है। ठीक हो गया, तो पहले जो हमारी टेक्निक थी कि हमने इस वेबसाइट को देखना है, इस वेबसाइट से हम लाइव जो है वो मालूम कर सकते हैं कि लोग जो है क्या क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हमारी टेक्निक है, दूसरा तरीका है कि हम कैसे अपने लिए टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, उसमें भी हम गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अलग वेबसाइट होगी, उसमें जो है हमने क्या करना है, गूगल ट्रेंड का यूज करना है। आप लोगों ने आ जाना है गूगल में, यहाँ बनाने के बाद आपने गूगल ट्रेंड जो है, ठीक है, गूगल ट्रेंड मैंने गुड लिखा हुआ है, गूगल ट्रेंड आपने लिखना है। उसके बाद जो है जब आप इसको सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट आएगी सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है, और देन आपके सामने जो है यहाँ पर ऊपर दो चीजें, ठीक है, एक है एक्सप्लोर और एक है ट्रेंडिंग नाउ। एक्सप्लोर में आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक देकर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आप मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त इस टॉपिक पर कितने व्यूज आ रहे हैं, या इस वक्त जो है इस वक्त कितना ट्रेंड है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही शो होगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस वक्त जो है किस टॉपिक पर कितने ज्यादा जो है वो, मतलब ऑडियंस आने के चांसेस है, कितने ज्यादा उस पर ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ से हम अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक लिखकर उसके अकॉर्डिंग डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्रिकेट पे जो है चेक करना चाहूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा क्रिकेट, उसके बाद मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान, पास्ट 12 मंथ नहीं, हमने जो है वो पास्ट 30 डेज कर लिया, ठीक है, उसके बाद यानी कि पिछला 1 महीना, उसके बाद ऑल कैटेगरीज नहीं, हमने जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरी, क्योंकि हम स्पोर्ट के हवाले से देख रहे तो हम यहाँ से स्पोर्ट्स करेंगे, उसके बाद हमने वेब सर्च नहीं करना, हमने यूट्यूब सर्च करने, तो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा होगा यूट्यूब सर्च। ठीक है, आपने यूट्यूब सर्च, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए वीडियोज बना रहे हैं तो हम वहां पर जो है उस ऑडियंस को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब मैंने यहाँ पर जो है ये सारी सेटिंग कर ली है, और उसके बाद देखें पहले जो है ये सबसे नीचे आपको मतलब ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, पहले कितना था, 40% था, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, फिर ये नीचे आए, फिर ऊपर गया, और एकदम से जो है इसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उस हवाले से आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है वो काफी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव आ रहा है, और इस पे काफी ज्यादा सर्चेस हो रही हैं। ठीक है, अब मजीद आप इससे रिलेटेड टॉपिक भी देख सकते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड मजीद जो है वो क्या सर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें सबसे, यहाँ पर ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, लाइव क्रिकेट पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, लाइव क्रिकेट मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान द 100 क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पर आप मजीद क्यूरीज भी देख सकते हैं। टोटल जो है इसके पास 13 क्यूरीज है, हमने एक क्यूरी लिखी, उसके अकॉर्डिंग हमने हमने हमें इसने जो है वो 13 क्यूरीज दी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेपाल क्रिकेट टीम, ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट पार्क वैसे अफगानिस्तान, ठीक हो गया, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक यहाँ से ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है ये वो टॉपिक है जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपको मजीद जो है एक और चीज यहाँ पर बताता चलूंगा, प्राइसिंग है, तो आप यहाँ से टॉप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो किस टॉपिक पर जो है व्यूज आ रही हैं इस वक्त, वो जो है मैच क्रिकेट, ठीक है, लाइव क्रिकेट, हाइलाइट्स क्रिकेट, क्रिकेट पाकिस्तान, क्रिकेट मैच लाइव, और 25 क्यूरीज है। ठीक है, आप इनको आगे करते जाएं और यहाँ से आपको जो है वो मिलता जाएगा, मतलब जो भी क्यूरीज है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको यहाँ से आइडिया होता है कि किस टॉपिक पर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा व्यूज इस पे आ रहे हैं जो कि 100% है। ठीक है, ये तो इससे रिलेटेड है जो हमने यहाँ पर क्यूरी सर्च की है, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़े से मतलब मजीद थोड़े से इससे हटकर भी आप कह सकते हैं इसकी बेस पर हमें ये मिले हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हमें ये भी टॉपिक यहाँ से मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें, आप कह सकते हैं कि ये एक बोनस टाइप हमें बता रहा है कि आप ये टॉपिक भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं कोई टॉपिक लेना चाहते तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसमें भी आपको मजीद जो है इसने बताया है 8 यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियो बना सकते हैं।
ठीक हो गया। इसमें जो है दो चीजें होती हैं, एक होता है राइजिंग और एक होता है आप जो है टॉपिक। राइजिंग का मतलब ये है कि इस वक्त कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और आगे भी सर्च होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सर्च कौन सा हो चुका है टॉप पर, कौन सा है, वो है क्रिकेट स्पोर्ट। आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी लिखकर उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री कोई भी रखकर सर्च कर सकती हैं। मैंने सिर्फ आपको पाकिस्तान के हवाले से बताया है, बाकी आप अपनी मर्जी से, आपका कोई भी टॉपिक है, एंटरटेनमेंट है आपका जो है वो, टेक्नोलॉजी है आपका, ऑटोमोबाइल है आपका, कोई भी टॉपिक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी दूसरा कंट्री लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंट्री तो खैर नहीं, यहाँ पर जो है आप कोई दूसरा टॉपिक, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर फुटबॉल लिखना चाहते हैं, आप दो टॉपिक का आपस में जो है मुवाजना भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है वो आपको इस तरह का आइडिया हो जाएगा। अब देखें फुटबॉल का जो है वो काफी कम है, क्योंकि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में फुटबॉल काफी कम देखा जाता है, तो इस हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये, अगर हम क्रिकेट की वीडियो बनाएंगे पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है वो मतलब वायरल होगी, बनिस्बत के हम फुटबॉल की वीडियो बनाएं। तो यहाँ से हमें ये प्रॉपरली आइडिया हो जाता है कि हमने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग में जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान का डेटा ट्रेंडिंग में नहीं आता गूगल ट्रेंड में। तो आप यहाँ से इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज यहाँ पर मेंशन है, आप उनका डेटा ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमें इंडिया में जो है वो क्या ट्रेंडिंग में है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम रियल टाइम सर्च ट्रेंड की बात करें, जो मतलब 5-24 आवर्स की, तो वो क्या सर्च किया जा रहा है इंडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, ये आपके सामने टॉपिक है, ठीक है। उसमें ये बताया जा रहा है कि इसका ये ग्राफ है और जो है ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। अगर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियो बनानी है और आपका टॉपिक जो है वो क्रिकेट है और आप इंडिया को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इस टॉपिक को, ये जो सबसे ऊपर है, आप इसको जो है वो मतलब के इस पे वीडियो बना सकते हैं, इसको टारगेट आप कर सकते हैं, ठीक है। 24 आवर में जो टॉपिक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं, उन पे व्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो YouTube ऑटोमेशन पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब कहने का ये, आप पाकिस्तान में बैठकर यूएस की कंट्री को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देखें और आपका जो टॉपिक है वो मतलब कहने का ये है कि आपका टॉपिक न्यूज का है, ठीक है। तो आप मतलब ये कह सकते हैं कि आपके वीडियो पे अगर 2 से 3 हज़ार व्यूज भी आ जाते हैं, तो अच्छा खासा का रेवेन्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल ये होता है कि आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, और जो गूगल आपको डेटा देता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होता है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं हम कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इजीली कोई भी टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेंडिंग जो होगा वही शो होगा, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई टॉपिक फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप, हाँ, ऑल कैटेगरी है, तो यहाँ से आप कैटेगरी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के हवाले से देखना चाहते हैं, आपका टॉपिक बिजनेस है और आप यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, तो देखिए कौन सा टॉपिक बिजनेस रिलेटेड जो है इस वक्त यूएस में देखा जा रहा है, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। और आपको पता है कि जो YouTube ऑटोमेशन का काम करते हैं वो इधर से ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेते हैं, और आपको पता है YouTube जो ऑटोमेशन है वो 20-25 गुना दूसरे YouTube से ज्यादा आपको रेवेन्यू देते हैं, ठीक है, सिंपल YouTube से। तो वो खैर अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर आपने दूसरी चीज देख ली कि हमने किस तरह से टॉपिक फाइंड करना है जो कि गूगल ट्रेंड की मदद से। अच्छा, इसके बाद एक और है, मतलब कि आपने देखा होगा चैट जीपीटी, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा, स्टूडेंट्स ने भी यूज किया, मैंने खुद किया है, सबने इसको मतलब यूज किया ही होगा, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी से हमने कैसे डेटा लेना है, तो सिंपली हमने जो है इसको कमांड देनी होगी कि हमें जो है जो टॉप के ट्रेंडिंग टॉपिक्स है यूट्यूब के, वो हमें फाइंड करके दे दो, तो वो हमें जो है सिंपली ये टॉपिक फाइंड करके दे देगा, ठीक है। हम यहाँ पर अगर हम इसको कहते हैं कि टॉप 10 हाई, जी उसामा, थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर लीजिए प्लीज। जी सर, मैं ये टाइप करके करता हूँ, जी टॉप 10 हाई ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर YouTube वीडियोस, ठीक है। अब यहां पर हमने इसको कमांड दी है और अब ये आपके सामने जो है वो हमें बता रहा है कि कौन से ऐसे टॉप ट्रेंडिंग मतलब टॉपिक है, ठीक है, 10 ऐसे टॉपिक जो कि YouTube वीडियोस के लिए काफी ज्यादा
हेल्पफुल है और काफी ज्यादा उनके व्यूज आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि हमें प्रोडक्ट रिव्यूज एंड अनबॉक्सिंग, ठीक है, उसके बाद व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल कंटेंट। आपने देखा होगा कि आजकल व्लॉग का काफी ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है, मतलब जितना पाकिस्तान में व्लॉगर कमा रहे हैं इतना कोई नहीं कमा रहा, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। गेमिंग एंड ई स्पोर्ट, ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस, उसके बाद डाई एंड होम इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन कॉन्टेंट और इस तरह बाकी जितने भी टॉपिक्स हों आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है गेमिंग का टॉपिक यहाँ से लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ गेमिंग, ठीक है। इससे जो अगली हमारी टेक्निक होगी वो इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने चैट जीपीटी से मतलब ये डेटा ले लिया कि कौन से 10 ऐसे टॉपिक हैं, आप मजीद भी जो है सब टॉपिक ले सकते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि 10 सब टेन सब टॉपिक्स ऑफ गेमिंग फॉर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो यहां से आप मजीद सब टॉपिक भी फाइंड कर सकते हैं। अभी इसने जो है चलें ये तब तक होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम दोबारा रीजनरेट करते हैं। आई थिंक इसने लिखना भी एक स्टार्ट नहीं किया। चलिए कोई नहीं, मैं मतलब कहने का ये है कि आपको आइडिया तो हो चुका है यहाँ से कि कैसे हमने टॉपिक लेने हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस के लिए। आपके अपने तक है कि आप इसको कमांड किस तरह से देते हैं, ठीक है, वो जैसे मर्जी आप इसको कमांड देंगे वैसे ही आपको ये डेटा निकाल के देगा। अब जो चौथी टेक्निक है, जो चौथा तरीका है कि हम यूट्यूब वीडियोस के लिए कैसे टॉपिक फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वो चौथी जो टेक्निक है वो यूट्यूब ही है, ठीक है। आप मतलब कहने का ये है कि आप यूट्यूब से ही टॉपिक फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, या फिर हमारे पास एक टॉपिक है, हमने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मालूम करनी है कि कौन से ऐसी वीडियोस हैं जो कि पास्ट 24 आवर में जो है जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये, मैंने चैट जीपीटी से एक टॉपिक लिया गेमिंग, अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा मेरा कंटेंट है गेमिंग, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दो सेटिंग्स करनी है, दो दफा फिल्टर लगाना है। एक दफा हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, और हम जो है व्यू काउंट में जाएंगे। व्यू काउंट का मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा जिस मतलब वीडियो पे व्यूज आए हैं वही हमारे सामने शो होगी, और उसके बाद हमने दोबारा फिल्टर में जाना है। और यहाँ पर टुडे, टुडे का मतलब ये है कि लास्ट 24 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ 11 घंटों में जो है ये 3.6 मिलियन व्यूज आए हैं। अब ये कौन सी गेम है, ठीक है, आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं अगर आपका गेमिंग कंटेंट है। 22 घंटों में 5,67,000 व्यूज आए हैं, गेमिंग कंटेंट की बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी को मतलब वहां से टॉपिक लेंगे और आप यूट्यूब से फाइंड करेंगे कि कौन सा ऐसा मजीद टॉपिक है, ऐसा सब टॉपिक है जिस पर व्यूज आए। अब गेमिंग कंटेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन कौन सा ऐसी स्पेसिफिक गेम है जिस पर लोग मतलब सर्च कर रहे हैं, जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, जिसको लोग व्यूज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको यूट्यूब बताएगा। अब देखें यहाँ पर मतलब 22 घंटों में 4,45,000 व्यूज हैं। आप जैसे जैसे नीचे आएंगे आपको पता चलता जाएगा। अब यहाँ पर ये मिक्स कंटेंट है, ठीक है, इसमें शॉर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें लॉन्ग वीडियोस भी शामिल हैं। तो आप जो है अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप साथ शॉर्ट पर भी काम कर सकते हैं। शॉर्ट जो है इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल अगर आपका ग्रो नहीं कर रहा लॉन्ग वीडियो से तो शॉर्ट वीडियोज में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो आप जो है वहां से भी अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है मजीद मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कौन कौन सी गेम्स हैं जो के मतलब आज के दिन या मतलब जो 24 आने पास वहां पर मतलब उस टाइम में लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, सॉरी कोई भी आप गेम यहाँ से उठा सकते हैं और उस पे आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आपने टोटली ये वीडियो कॉपी नहीं करनी, जस्ट आइडिया लेना है। आप पहले 5 वीडियोस देख लें और आप उनसे आइडिया लें और आप अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर दें अपने चैनल पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ तक तो देख लिया कि कैसे कैसे हमने टॉपिक फाइंड करनी है। अब हमने टॉपिक मतलब सपोज हमने टॉपिक फाइंड कर लिया, ठीक है, हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।
हम उस टॉपिक पर डेली बेसिस पे हमें कहाँ से मतलब टॉपिक मिलेंगे, कहाँ से हमें अपडेट्स मिलेंगे जिन पर हम यूट्यूब वीडियो बनाएं, तो उसके लिए आपने न्यूज वेबसाइट्स की जो है वो हेल्प लेनी है। ठीक है, न्यूज वेबसाइट जो है वो डेली बेसिस पे अपना कंटेंट जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा उर्दू पॉइंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि आपने अपना टॉपिक फाइंड कर लिए हैं, अब उसके बाद आपने डेली बेसिस पे यहाँ से जो है आप अपना टॉपिक मतलब अपना अपडेट कंटेंट जो है वो कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो ओपन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट जो है वो सिर्फ न्यूज का है तो आप इंटरनेशनल पाकिस्तान, ठीक है, इसको ले सकते हैं। अगर आपका कंटेंट मतलब पोइट्री है, एंटरटेनमेंट है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपका कंटेंट जो है वो कुकिंग के हवाले से, तो आप यहाँ पर पकवान पे क्लिक करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे जो है जो अपडेटेड रेसिपीज होंगी वो यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पर कोई भी रेसिपी ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रॉपरली वो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि इसको आपने कैसे बनाना है। कोई भी मतलब आप मतलब चीज बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको मतलब रेसिपी के हवाले से मजीद गाइड किया जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश में है तो आप इसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश उर्दू जो कन्वर्टर है गूगल पे, सिंपली आप उसको पेस्ट करके मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक और है, ठीक है, आप साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, आपका टॉपिक जो है वो बिजनेस है, ठीक है, आप मोबाइल के हमारे से कंटेंट बनाते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपका कंटेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी मतलब काफी ज्यादा उसको लोग देखते हैं, व्यूज काफी ज्यादा आते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी पे वीडियोज बना सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा वर्ड है, आप जो है वो आप जो है इसके सब टॉपिक यहाँ से मजीद ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सर्च किया टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग सकता है। चले कोई बात नहीं, इसको हम तब तक जो है वो अगला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजी सर्च किया, ठीक है, और यहाँ पर देखें हमारे सामने टेक्नोलॉजी के हवाले से जितने भी अपडेटेड टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी के, ठीक है, वो सारे हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को ओपन करता हूँ जो पहला टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ से जो है सॉरी ये तो यहाँ से जो है आप इजीली टॉपिक मतलब इसको ले सकते, ठीक है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको स्क्रिप्ट भी मिलेगा। अब देखें जब तक आप यूट्यूब वीडियो का स्क्रिप्ट रेडी नहीं करते तो आपको समझ नहीं आती है आप मतलब वीडियो में क्या बोलेंगे, उसका जो है ना वो आपको सही तरह समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। हाँ कोई पुराना यूट्यूबर है उसको फिंगर टिप्स पे चीजें पता है तो वो बोल सकते हैं, लेकिन जो न्यू यूट्यूबर है उनको काफी ज्यादा मसला मतलब होता है कि जब तक वो अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ से देखें आपको प्रॉपरली स्क्रिप्ट भी मिल रहे हैं और यहाँ से आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गूगल है, हम गूगल से ले रहे हैं और हम यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है इजिली यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी ले सकते हैं टॉपिक और अपना जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इधर से जो है आप इजीली कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, और उसके बाद जो है अगर आप टेक्नोलॉजी को मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शोबिज है, हेल्थ है, ठीक है, आप हेल्थ पे क्लिक करें, आपको मजीद जो है यहाँ से टॉपिक मिलेंगे। अब हेल्थ जो है आपको पता है काफी ज्यादा लोग जो है यूट्यूब पर आते हैं, उनको कोई मसला हो जाता है तो वो मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाते, जाना तो चाहिए, लेकिन वो यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब से कोई रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब के इस तरह का कोई देख टोटका वगैरह कोई देख लेते हैं जिससे उनको मतलब जल्दी आराम हो जाए, जल्दी जो है वो मतलब रिकवर कर लें। तो यहाँ से आप इजीली कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि हम जो है वो किस तरह से न्यूज़ वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, आप जो है उर्दू पॉइंट के साथ कोई और वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक वेबसाइट बताई है, आप जो है प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। प्रो पाकिस्तानी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली पाकिस्तान, ये जितने भी वेबसाइट्स हैं आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, मैं खुद भी यहाँ से आइडिया लेता रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त मेरे पास कोई भी मतलब टॉपिक नहीं होता था तो शायद मतलब जाहिर सी बात है हमने यूट्यूब पर तो कंटेंट मतलब अपडेट करने, ठीक है, अपडेट नहीं करेंगे, वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे तो हमारी जो ऑडियंस होगी वो मतलब जो मतलब ये कह सकते हैं कि वो डेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने जो है ये साथ साथ आइडिया लेने हैं। अब ये आपके अपने तक है कि आप मतलब गूगल का यूज करते हैं, आप यूट्यूब का यूज करते हैं, आप कहीं से भी टॉपिक लेकर जस्ट आपने वीडियोस बनानी है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद एक और टेक्निक है, वो यही है कि अब देखें आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ टॉपिक फाइंड कर लिया, ठीक है, आप हेल्थ पे वीडियो बनाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपने 20 ऐसे हेल्थ से रिलेटेड जो चैनल्स हैं, ठीक है,
आपने उनको फॉलो करना है, 20 चैनल्स आपने फॉलो करने हैं। फॉलो मतलब किस तरह से करने हैं कि आपने डेली बेसिस पे देखना है कि वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, वो क्या लोगों को समझाते हैं, किस तरह की वीडियो उनकी होती है, वो लोगों में वो वीडियो में लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी चीजें आपने वहां से एनालाइज करनी है। तो वो इस तरह से होगा कि डेली बेसिस पे आप जब मतलब जो भी आपने चैनल फॉलो किए होंगे अपनी नीड से रिलेटेड, ठीक है, आपके इंश्योरेंस टॉपिक है, आपका हेल्थ टॉपिक है, आपका जो है वो ऑटोमोबाइल है, आपका मोबाइल का टॉपिक है, आप लैपटॉप पे वीडियोज बनाते हैं, तो आप वही 20 चैनल्स को आप जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। ये मैंने कह रहा कि आपने सेम वही वीडियोस अपलोड कर देनी है कि जो वो अपलोड करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आपने आइडिया लेना है और आइडिया लेकर आपने खुद से जो है मतलब के अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करके आपने वीडियो बनानी होगी। ठीक हो गया। और लास्ट जो है हमारी टेक्निक है, लास्ट जो तरीका है जिसको हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे अपडेटेड टॉपिक लेने के लिए अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, उसके लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल एप्स कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया कि आप जो है जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया न्यूज वेबसाइट्स हैं, आप इन्हीं वेबसाइट की जो मोबाइल एप्स हैं आपने उनको इंस्टॉल करना है, ठीक है, अपने मोबाइल में रख लीजिए। और जब भी मतलब जैसे कोई भी टॉपिक अपडेट होगा, ठीक है, तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा और सिंपली जो है आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि एक टॉपिक नहीं होता, आपने अपनी मर्जी से टॉपिक खुद सिलेक्ट करना है, जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट, आपका अपना इंटरेस्ट है, और जिस टॉपिक में आपको वीडियो बनाने में बोरिंग नहीं हो, आप बोर फील नहीं करते, ठीक है। तो आपने खुद जो है वो टॉपिक फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है वो आपको मैंने तरीके बता दिए हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, यूसामा भी हमारे पास 10 मिनट्स मोर हैं, जी सेशन जी 8 बजे क्लोज होगा। जी जिनके क्वेश्चन जो है वो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एड्रेस कर लें। जी स्टूडेंट प्लीज।